Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. और probability से related हम exercises solve कर रहे हैं. और अब इस lecture में हम exercise 7.6 start करेंगे. Exercise 7.6 का question number 1 है. A fair coin is tossed 30 times. 30 दफा जो है वो coin से toss किया गया है, ठीक है? उसके बाद the result of which is tabulated below, यानी कि उसका result भी हमें दे दिया गया कि 30 times जो है वो हमने जो toss किया उसके क्या क्या results आए हैं वो भी हमें एक table की form में हमें दे दिया गया, ठीक है? उसके अलावा हमें कहा क्या गया है, study the table. अच्छा, पहले मैं table बनाता हूँ. table में हमें क्या क्या given है. table में हमें given है एक तो event, ठीक है, यानी कि आप कोई भी कॉइन जो है वो उसे टॉस करते हैं तो उसे हमारे पास या तो हेड आएगा या फिर टेल, ठीक है? और 30 टाइम्स हमने किया है टॉस, तो साथ साथ हम यहाँ पर टैली मार्क्स भी करते गए हैं कि हेड कितनी दफा आया और टेल कितनी दफा आया, ठीक है? तो हेड 1, 2, 3, 4, 5 बल्कि 5 इस तरह से होता है, ठीक है? और फिर से 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4 इसी तरह से टेल के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1. अच्छा, अब इसको इसकी फ्रीक्वेंसी भी साथ में हमें दे दी गई है. फ्रीक्वेंसी क्या है आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है? 5 + 5 = 10 + 4 = 14 और इसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 16. इसको इन दोनों को ऐड भी कर लें आप तो आपके पास 30 आएगा, ठीक है? तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं लिखता हूँ. क्वेश्चन है, क्वेश्चन के चार पार्ट्स हैं, ठीक है? पहला पार्ट है हाउ मैनी टाइम्स does head occur या appear, यानी कि कितनी दफा जो है वो head जो है वो top पर appear हुआ है. तो इसका result तो साफ जाहिर है, हमें table में भी given है, ठीक है? आप देखें head ये है तो इसकी frequency 14 है, मतलब कि 14 time वो appear हुआ है तो 14 times यहाँ पर लिख दें. ये तो बहुत आसान सा था, ठीक है? part number 2 भी इसी तरह से है. part number 2 में हमें पूछा गया है how many times does tail appear. तो tail का भी आप देख लें frequency कितनी है, 16, यानी कि 16 time वो appear हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा. तो इसको भी हम लिख देते हैं 16 times, 16 time जो है वो tail appear हुई है. अच्छा, ये था second part. third part जो है वो हम देखते हैं. अब थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ हेड, मतलब के हेड की अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी हमने अब एस्टिमेट करनी है, ठीक है? तो हमें पता है कि हेड कितनी दफा अपीयर हुआ है, कितनी दफा अपीयर हुआ है, ये चीज आप कहां से देख सकते हैं, आपको टेबल में गिवन है, ठीक है? तो आप टेबल से देख सकते हैं कि हेड जो अपीयर हुआ है वो है 14 टाइम्स, ठीक है? तो 14 डिवाइडेड बाय, यानी कि नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए ना ये,
क्योंकि हमारा फोकस हेड पे है तो उस पर हमने उसको नंबर ऑफ इवेंट्स बना दिया। उसके बाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल्स होता है या नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है, तो हमारे पास जो है 30 टाइम्स हमने टॉस किया, या आप 30 इस पे आप देख लें इवेंट्स हैं टोटल 16 + 14 = 30, या फिर आप कह लें कि हमने 30 टाइम्स जो है वो टॉस किया, ठीक है। तो इस वजह से 30 इज इक्वल टू एन ऑफ एस, तो इसको डिवाइड करने से हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हेड की, पी ऑफ एच कह लें इसके, ठीक है। तो ये बनता है 7/15, ये प्रोबेबिलिटी बनती है हेड की अपीयरेंस की, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट में हमें पूछा गया है एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अपीयरेंस ऑफ टेल। बिल्कुल सेम चीज है जिस तरह से पार्ट नंबर 3 है, उसमें हेड का पूछा गया, यहां पर टेल का पूछा गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज इक्वल टू, अब टेल की आप फ्रीक्वेंसी देखें, क्योंकि हमारा अब जो फेवरेबल, हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है इस केस में क्या है, टेल, ठीक है। टेल की फ्रीक्वेंसी है 16 टाइम अपीयर हुआ है, तो 16/30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बनता है, 8/15, ये प्रोबेबिलिटी बनती है टेल की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का, 7.6 का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा गया, उसकी मैं स्टेटमेंट लिखता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की। अ डाई इज टॉस्ड हंड्रेड टाइम्स द रिजल्ट इज टेबुलेटेड बिलो, यानी कि जिस तरह से हमें पिछले क्वेश्चन में भी हमें टेबल दिया हुआ था रिजल्ट का, ठीक है। तो इसमें भी हमें जो है एक डाई को रोल किया गया 100 टाइम्स और उसके रिजल्ट जो है एक टेबल की फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें कहा गया है स्टडी द टेबल एंड आंसर गिवन बिलो क्वेश्चंस। पहले तो सबसे पहले मैं टेबल बनाऊंगा। अब डाई जो है उसके कितने इवेंट्स बन सकते हैं, 6, क्योंकि 6 डॉट्स होते हैं टोटल, ठीक है। 1 डॉट भी हो सकता है, 2 डॉट, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब यहाँ इसको मैं इवेंट कहता हूँ कि ये हैं इवेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि टेलीमार्क्स, यानी कि जो जो इवेंट ऑकर होता है गया, ठीक है, उसको टेलीमार्क्स से हमने शो कर लिया, टेलीमार्क्स टेबल बना लिया, ठीक है। तो 1 का क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, और 2 का 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 1, 2। इसके अलावा 3 का 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, और 4 का 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, और 5 डॉट्स का 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5।
ये 5 डॉट्स का रिकॉर्ड और इसी तरह से 6 डॉट्स का रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 1, ठीक है. और साथ में इसकी फ्रीक्वेंसी हम खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो है वो है गिवन, ठीक है. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फ्रीक्वेंसी. कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 + 5 = 10 इज + 4 = 14, ठीक है. 1 की 14 है. 2 का कैलकुलेट कर लें, 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 2 = 17. इसी तरह से 3 की, 5 + 5 + 5 = 4 × 5 है तो ये 20. 5 + 5 = 10 + 5 = 15 + 3 = 18. और 5 dots की frequency 15 और 6 dots की 5 + 5 = 10 + 5 = 15 and 1 = 16, ठीक है. ये हमारे पास जो है टेबल की फॉर्म में हमें रिजल्ट दिया हुआ है, ठीक है. 100 times एक डाई को टॉस किया गया. उसके बाद हमें क्वेश्चंस जो हैं वो पार्ट्स की फॉर्म में दिए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट इसका है हाउ मेनी टाइम्स 3 dots अपीयर. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टेबल से देख के बंदा बता सकते हैं. 3 dots कितनी दफा अपीयर हुए, यह 3 dots इसको आप देखें 20 times अपीयर हुए हैं, ठीक है. उसकी फ्रीक्वेंसी उसके सामने लिखी हुई है, तो यहाँ पे लिखते हैं आप 20 times अपीयर हुए हैं 3 dots, ठीक है. इसी तरह से सेकंड पार्ट भी बहुत आसान है. सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मैनी टाइम्स 5 dots अपीयर, यानी कि 5 dots कितने दफा अपीयर हुए हैं. तो ये भी हम टेबल से देख के बता सकते हैं. 5 dots के सामने इसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है 15, तो ये 15 times अपीयर हुए हैं, 15 times, ठीक है. तो अब इसका पार्ट नंबर 3 है हाउ मेनी टाइम्स. यहां पर मैं लिख देता हूं हाउ मेनी टाइम्स डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर, ठीक है. यानी कि इवन नंबर्स वाले डॉट्स जो हैं 2, 4 और 6 वो कितनी दफ़ा अपीयर हुए हैं वो हमने देखना है. तो वो हम किस तरह से देखेंगे, वो भी टेबल से. यानी कि इसमें आप देखें टू इज द इवन नंबर ऑफ डॉट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है 17, और उसके बाद 4 इज द इवन नंबर ऑफ डॉट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है 18, एंड 6 इवन नंबर ऑफ डॉट्स, उसकी फ्रीक्वेंसी है 16. इन सबको ऐड कर लें, 17 + 18 + 16, 17 + 16 + 18, ठीक है. तो ये बनता है 51 times. तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन हमने जो है टेबल से देख के कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट में हमें पूछा गया है हाउ मैनी टाइम्स डज अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर. तो ये भी हम टेबल से देख के बता सकते हैं. प्राइम नंबर कौन कौन से हैं इसमें, 2, 3 और 5, ठीक है. 2, 3 और 5, 2 is 17,
3 की फ्रीक्वेंसी 20 और 4 की है 18, यानी कि 17 प्लस 20 प्लस 18, बल्कि 4 मैंने देख लिख लिया, 4 नहीं है बल्कि 5 है, 5 की 15 है, ठीक है। 17 प्लस 20 प्लस 15, 17 प्लस 20 प्लस 15, तो ये टोटल बनता है 52 टाइम्स। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, सिर्फ हमने देख के टेबल से देख के सम कर लिया, ठीक है। अब लास्ट जो है पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वन, ऑफ अबव क्लासेस, अबव केसेस, यानी कि ऊपर जो हमने सॉल्व किए हैं उस हर एक की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना भी बहुत इसमें आसान है, ठीक है। उसकी फ्रीक्वेंसी को आप यानी कि कहते हैं कि चलें अब पी ऑफ ए हम कहते हैं पहले पार्ट की, ठीक है। पहले पार्ट में क्या हुआ था, पहले पार्ट में 20 टाइम्स उसकी यानी कि अपीयर हुआ था, और टोटल नंबर ऑफ टाइम हमने कितने दफ़ा टॉस किया, 100, तो 20 बाय 100 इसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है, 20 बाय 100 यानी कि 1 बाय 5, ठीक है। उसी तरह से आप कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि सेकंड पार्ट में जो है वो क्या था, सेकंड पार्ट था 5 डॉट्स, 5 डॉट्स जो है 15 टाइम्स अपीयर हुए थे, तो ये बन जाएगी 15 बाय 100, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कह लें जी थर्ड पार्ट को, थर्ड पार्ट में जो है वो हमने देखा था कि इवन नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो कितनी दफा अपीयर हुए, तो उसकी जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, 51, तो 51 डिवाइडेड बाय 100 कर दें, 51 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसी तरह से डी जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, यानी कि फोर्थ पार्ट में आप देखें क्या हुआ था, फोर्थ पार्ट में हमने देखा कि प्राइम नंबर कितनी दफा अपीयर हुए। अब उन प्राइम नंबर्स की प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, तो 52 उसकी फ्रीक्वेंसी है और 100 टोटल नंबर ऑफ टॉसेस है, तो 52 डिवाइड बाय 100 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इंतहाई आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ये है, उसकी मैं स्टेटमेंट यहां पर लिख देता हूं। स्टेटमेंट ये है, द एग्स सप्लाइड बाय अ पोल्ट्री मैन या पोल्ट्री फार्म, अ पोल्ट्री फार्म, ठीक है, ड्यूरिंग अ वीक ब्रोक ड्यूरिंग ट्रांजिट एज फॉलोज। मतलब के पोल्ट्री फार्म से अंडे जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं, ठीक है, और फिर एक वीक का उसने रिकॉर्ड दिया हुआ है कि एक वीक में ट्रांजिट करते हुए यानी कि सप्लाई करते हुए जो है वो अंडे टूट जाते हैं। कितने टूटते हैं, एक दिन जो है वो 1% टूट गए, ठीक है, एक दिन जो है वो 2% टूट गए, फिर थर्ड डे जो है वो 1.5% टूट गए, ठीक है, जितने भी सप्लाई किए जाते हैं उसका 1.5%, फिर 0.5%, ठीक है, फिर उस तरह से 1% टूट गए, एक दफ़ा एक दिन जो है 2% टूट गए, फिर एक दिन 1% टूट गए, ठीक है। ये जो है एक हफ्ते का रिकॉर्ड हमें दिया गया, तो हमें कहा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है किस चीज़ की, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऑफ एग्स डेट ब्रोक इन अ डे,
वॉक इन अ डे, यानी कि एक दिन में अंडे कितने टूटते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। उसके अलावा हमें कहा गया है, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी ब्रोकन। जो टूटेंगे इन ट्रांजिटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स, इन ट्रांजिटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स, मतलब कि अब हमें नंबर ऑफ एग्स भी साथ में दे दिए हैं। एक पार्ट में हमें दिया है कि 7000 एग्स हैं, एक जीरो मैंने ज़्यादा लगा दिया। एक पार्ट में हमें दिए हैं जी के 8400 एग्स जब ट्रांजिट करने हैं, ठीक है। और एक पार्ट में हमें कहा गया है कि 10500 एग्स जब सप्लाई करने हैं, ट्रांजिट करने हैं, उस वक्त कितने अंडे टूटेंगे। तो ये सब कुछ जो है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, बल्कि 3 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट हम देखते हैं कि हमने हमें एक वीक का रिकॉर्ड दिया गया है और हमें कहा गया है कि एक दिन में अंडे कितने टूटे हैं, ठीक है। उसका हमने प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग दैट द ब्रोक इन अ डे, एक दिन में जो अंडे टूटे हैं। तो उसका हम देखते हैं, उसका ये है कि सब परसेंटेजेस जो हैं उनको सम अप कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि 1 + 2 + 3/2 प्लस 1/2 प्लस 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू क्या बनता है, ये 3 + 4/2 + 4, यानी कि टोटल ये 9 बन जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एग्स दैट आर ब्रोक इन अ डे, एक दिन में कितने अंडे टूटेंगे, टूटे हैं, 9/7, 7 दिन है ना, तो ये 7 दिन का रिकॉर्ड है, तो 7 से आप डिवाइड कर दें तो 9/7% आप इसे कह लें, ठीक है। 9/7% इसे कहते हैं जी नंबर ऑफ एग्स दैट ब्रोक इन आर डे, 9/7%, जितने भी अंडे सप्लाई किए गए थे उसका 9/7%। अच्छा, ये तो हो गया। अब पहला पार्ट इसका क्या था, नेक्स्ट जो मतलब कि हमें कहा गया था, हमें कहा गया था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एग्स दैट विल बी ब्रोकन इन ट्रांजिटिंग द फॉलोइंग नंबर ऑफ एग्स, यानी कि 7000 एग्स अगर ट्रांजिट किए जाएं तब कितने टूटेंगे, ठीक है। तो इसको सिंपल सा क्वेश्चन है जी कि जब 7000 सप्लाई किए जा रहे हैं, हमें तो हमने तो पहले परसेंटेज में आंसर दे दिया ना, 9/7%, कितने सप्लाई किए जा रहे हैं उस हिसाब से होगा। अगर 7000 सप्लाई किए जा रहे हैं तो 9/7% उसे जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा इतने अंडे, यानी कि नंबर ऑफ एग्स हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है, 90 एग्स आ जाएंगे इससे। और दूसरा पार्ट जो था कि 8400 जब सप्लाई किए जाएँ, 8400, तो सिंपल है, 8400 मल्टीप्लाई बाई 9/7 × 1/100, तो इसका रिजल्ट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। वो 108 एग्स आएगा, यानी कि जितने जैसे जैसे अंडे बढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे ब्रोकन एग्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें 10,5500 अगर हो, मतलब कि 10,500 हों अंडे सप्लाई किए जाएं, तो कितने अंडे बनते हैं, ये 135 एग्स बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3 और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे।